नमस्कार दोस्तों, पीटेट परीक्षा 2021 का जो एग्ज़ाम है 8 सितंबर 2021 को संपन्न हो चुका है और आपने आंसर की भी जो है मिलान कर ली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट 2021 की जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ जो है जनरल ओबीसी एसटी एससी मेल फीमेल की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। दोस्तों, ये जो एनालिसिस है हम जो पिछली कट ऑफ गई थी यानी कि 2020 की जो कट ऑफ गई थी उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार जो है कट ऑफ कितनी जाने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। लगभग जो है हर साल हम कट ऑफ डालते हैं और बिल्कुल सटीक कट ऑफ जो बैठती है, लगभग 5 से 10 नंबर तक का ही अंतर रहता है। तो चलिए सबसे पहले जो है इसी के अलावा लास्ट में वीडियो की बात करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी पीटेट का एग्जाम दिया है और कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं हर कास्ट वाई, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप जो है आपके कितने नंबर आ रहे हैं अपना स्कोर कार्ड जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटेट की जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हम बात करें मेल की, तो जनरल कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ है वो जा सकती है लगभग 360 के समथिंग, यानी कि लगभग 360 नंबर अगर आप जनरल में हैं तो दोस्तों आप जो है आपको फर्स्ट च्वाइस मिल सकती है। हम यहाँ पे फर्स्ट च्वाइस की बात कर रहे हैं, आपको लगभग जो है आपसे 10 कॉलेजें भरवाई जाएंगी, 10 कॉलेजों में से आपको कोई भी कॉलेज मिल सकती है। आप अपनी वरीयता के आधार पर, अपनी नज़दीकी के आधार पर कॉलेज भरेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट च्वाइस की बात कर रहे हैं, ना कि 10वीं च्वाइस की। दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम आपको अगर गलत जानकारी दें, जैसे 300 में आपका आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 300 में कभी भी फर्स्ट च्वाइस नहीं मिलेगी जनरल वालों को, तो हम बिल्कुल सही कट ऑफ बताएंगे। हालांकि आपको अगर कुछ ज़्यादा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जनरल मेल की हम बात कर रहे थे, मेल की जो कट ऑफ है वो 360 के समथिंग जाने वाली है, लगभग 360 के आसपास जाएगी। वहीं दोस्तों फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग जो है हम बात करें तो 350 के समथिंग, जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो 350 या 355 के समथिंग जो है जाने वाली है। अब दोस्तों हम अगली कास्ट की बात करें, तो दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों जाएगी 350। ओबीसी मेल की कट ऑफ जो है 350 के समथिंग जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं ओबीसी फीमेल की बात करें तो दोस्तों ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो जाएगी लगभग 340 से लेके और 345 के बीच में। सिर्फ दोस्तों लगभग मेल फीमेल में 5 से 10% का ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे ओबीसी फीमेल की बात करें तो 340 से 345 के अंतर्गत कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि साइंस और आर्ट, इन दोनों में कितनी कट ऑफ का अंतर रहता है। आर्ट में कम नंबर वालों को भी कॉलेज कैसे मिल जाती है, बल्कि साइंस में चाहे वो मैथ से हो या फिर बायोलॉजी से हो, तो उनको कॉलेज कम नंबरों में क्यों नहीं मिलती है, इसका रीज़न भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले उसका रीज़न हम आपको बता दें। तो दोस्तों हम बता दें, एक कॉलेज जो होती है उसके अंतर्गत 100 सीटें होती है, 100 सीटों में से 70 जो सीटें हैं वो दोस्तों आर्ट की होती है और 30 जो सीटें हैं वो साइंस की होती है। इस वजह से आप दिल लगा सकते हैं कि जो आर्ट वालों की है हर कॉलेज में दुगनी से ज़्यादा सीटें होती है और साइंस वालों की कम सीटें होती है। तो यही कारण है कि हर कॉलेज में यानी कि हर साल जो है साइंस की कट ऑफ आर्ट वालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जाती है। अगर आप को अभी तक ये जानकारी नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक अभी कर दें। अब दोस्तों अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं। अगली कैटेगरी जो है आती है दोस्तों एमबीसी की। एमबीसी की बात करें तो लगभग ओबीसी और एमबीसी में सिमिलर रहता है। एमबीसी मेल की बात करें तो वही दोस्तों लगभग 345 के समथिंग कट ऑफ जा सकती है, और वहीं फीमेल की बात करें तो एमबीसी फीमेल की कट ऑफ जो है लगभग 340 के समथिंग जा सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है मेल की बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ जो है लगभग दोस्तों 310 से लेके और लगभग 320 या 330 के समथिंग जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि लगभग 320 से 330 तक मेल की, और फीमेल की बात करें तो 310 से और 320 के बीच में। यानी कि फीमेल की बात करें तो दोस्तों एससी फीमेल की 310 से लेके और 320 तक, मेल की बात करें तो 320 से लेके और 330 तक। वहीं दोस्तों लास्ट हम बात करें एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की जो मेल की बात करें तो एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ जो है लगभग
300 के समथिंग यानी कि 300 से लेके 310 तक जा सकती है। वहीं हम बात करें एसटी कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल की कट ऑफ, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में फीमेल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों जा सकती है 290 से लेकर और 300 या 310 के समथिंग, इतनी कट ऑफ जो है यहाँ पे एसटी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों हम बात करें कि ये जो कट ऑफ है ये साइंस और कॉमर्स के अंतर्गत या आर्ट के अंतर्गत कितना डिफरेंस रह सकता है जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें आप लगभग 10 से 20 नंबर प्लस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों साइंस की सीटें कम होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही अवगत करा दिया है, हर कॉलेज में साइंस की सीटें कम होती हैं और साइंस के अंतर्गत अभ्यर्थी जो है उतने ही होते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। वहीं आर्ट की बात करें तो मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें से आप लगभग 5 से और 10 नंबर आप माइनस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लगभग 5 से और 10 नंबर जो है, अगर आप आर्ट में हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप लगभग जो मैंने बताया है आपको कट ऑफ उसमें से 10 या -5 नंबर आप कर लीजिएगा, इतनी कम कट ऑफ जो है आर्ट की जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि एक कॉलेज में लगभग जो है एवरेज बात करें तो 100 सीटें होती हैं, 100 सीटों में से 70 जो सीटें हैं वो दोस्तों 70 जो सीट है वो होती है आर्ट की, और इसमें से जो 30 सीटें हैं वो होती है साइंस की। तो इस वजह से जो है साइंस की सीटें कम हो, यानी कि साइंस की कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। और दोस्तों साइंस के अंतर्गत भी मैथ और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो जाते हैं, तो इस वजह से ये जो कट ऑफ है, हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है, लगभग जो है इतनी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने आंसर की नहीं मिलाई है तो इस वीडियो के आई बटन में मैंने आंसर की का वीडियो कल शाम को अपलोड कर दिया था, यानी कि 8 तारीख को एग्जाम था, 8 तारीख को आंसर की मैंने डाल दी थी, वो आंसर की आप इस वीडियो के आई बटन में जाके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है, कट ऑफ जो है आप देख लिए होंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा, तो दोस्तों पीटीटी का रिजल्ट जो है लगभग हम बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उसके अंतर्गत आ सकता है, या फिर दोस्तों हम बात करें तो दोस्त सितंबर है, सितंबर के अंतिम वीक में भी, या फिर अक्टूबर के, ज़्यादा संभावना है, लगभग 95% संभावना ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी आपको हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले जानकारी मिलेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। और दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर पीटेट के अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन यूट्यूब चैनल, पहले देखो पहले सीखो में।